नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रोकन जी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन आईपीओ के बारे में जो आईपीओ 9 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो। हम जानेंगे कि उन आईपीओ की प्राइस क्या है, डेट क्या है, किस डेट को उनका अलॉटमेंट होगा और किस डेट को वह आईपीओ लिस्ट होंगे। आज के दिन से यानी कि 4 अगस्त से 4 आईपीओ आए हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कौन सा आईपीओ अप्लाई किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिन स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप हमारे पुराने में कुछ वीडियोस देख सकते हैं जहाँ हमने लॉरेंस लैब, बिरला केबल, जीटेल इंफ्रा, जेपी पावर ऐसे कई सारे स्टॉक्स पर वीडियो बनाया और उसके बाद में स्टॉक में 20-30 या फिर 50% का भी अपट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गेन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आईपीओ आने वाले हैं यानी कि लिस्ट होने वाले हैं और जिन आईपीओ को आप अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल। सबसे पहले हम ग्लेनमार्क के बारे में जानते हैं कि ग्लेनमार्क आईपीओ की अभी ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रही है। दोस्तों ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्राइस कंटिन्यू डाउन आ रही है। कुछ दिन पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ की ग्रे मार्केट प्राइस चल रही थी 20-30% पॉजिटिव, लेकिन अभी चल रही है सिर्फ 10% पॉजिटिव। बाकी हम लिस्टिंग डे के दिन देखते हैं कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है हमें लाइफ ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में। और साथ ही जो रोलेक्स रिंग आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्राइस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। रोलेक्स रिंग्स आईपीओ के ग्रे मार्केट पहले भी 55-60% पॉजिटिव थी और अभी भी ऑलमोस्ट 50% पॉजिटिव है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें भी हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है। और आज के दिन से आप जिन आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं वो चारों आईपीओ के नाम आपके सामने हैं। आईपीओ की डेट, आईपीओ की प्राइस, कितना लॉट, एक लॉट में कितने शेयर्स रहेंगे, आईपीओ की साइज एंड रिटेलर्स के लिए कितना परसेंट है। आप देख सकते हो कि 10% 10% किस आईपीओ में कितना परसेंट रिटेलर्स के लिए भी आप यहां पर देख सकते हो। और अलॉटमेंट डेट क्या है, लिस्टिंग डेट क्या है, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो आईपीओ आज से आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम ये जान लेते हैं कि जो आईपीओ 9 अगस्त से आने वाले हैं उसके बारे में। दोस्तों 9 अगस्त को जो पहला आईपीओ आने वाला है वो है कार ट्रेड टेक लिमिटेड आईपीओ। इसकी बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। यह इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000 में और आईपीओ की ओपन डेट है 9 अगस्त और क्लोजिंग डेट है 11 अगस्त, यानी कि 9, 10 और 11 ये 3 डेज में आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ की प्राइस है 1585 to 1618 रुपीज एंड मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना है 14562 रुपीज एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना है 1,89,300 रुपीज के समथिंग एंड एक लॉट में आपको मिलने वाले हैं 9 शेयर। तो दोस्तों ये तो हो गई आईपीओ की बेसिक डिटेल। फुल डिटेल वीडियो हम 9 अगस्त से पहले आपके लिए लेके आएंगे। अब हम सेकंड आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो सेकंड नंबर का आईपीओ है उसकी डेट भी सेम है 9 अगस्त से 11 अगस्त। उसका नाम है नबुको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईपीओ। यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में और यह मैन्युफैक्चर करता है कॉन्क्रीट, सीमेंट एक्सेट्रा। इसके भी हमसे बेसिक ही डिटेल जानेंगे। फुल डिटेल वीडियो में आपके लिए 9 अगस्त से पहले लेके आऊंगा। आईपीओ ओपन होने वाला है 9 अगस्त को, क्लोज होने वाला है 11 अगस्त को, यानी कि 9, 10 और 11 ये 3 डेज में आप इस आईपीओ को भी अप्लाई कर सकते हो एंड आईपीओ की प्राइस है 562-570, यानी कि आईपीओ आपको मिलने वाला है 570 की प्राइस पर। मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना है 14,820 रुपीज एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना है 1,92,660 रुपीज एंड एक लॉट में आपको मिलने वाले हैं 26 शेयर। दोस्तों ये हो गई आईपीओ की बेसिक डिटेल। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।